हाय मैम, कैसे हो? एकदम मस्त। आप कैसे? बस मैम, अच्छा बढ़िया। मैम, आप तो पाल आईटीओ पर ऐसा स्ट्रीट फूड काउंटर लगा के खड़े रहते थे जी ना? जी वहाँ पे हमारा था, बट कस्टमर का प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमने खुद का कैफे चालू कर लिया है। तो सबसे पहले आपको इसकी बधाई हो। थैंक यू सो मच। और आज क्या स्पेशल चीज हमारे ऑडियंस के लिए आप बनाओगे? आज मैं यहाँ पे चीज क्लब सैंडविच बनाऊंगी, जो यहाँ पे काफी लोग पसंद करते हैं। तो गाइज देखिए, ये मैम पाल आईटीओ पर करीबन एक साल थे। वहाँ पर स्ट्रीट पर इनका फूड स्टॉल था, बहुत ज़्यादा फेमस था इनका टी स्टॉल। काफ़ी लोग आते थे और वैरायटी भी वहाँ पे बहुत सारी मिल जाती थी। तो मैम, वो सारी वैरायटी यहाँ पर भी है? हाँ जी, वो सब है यहाँ पे और हमने काफ़ी कुछ स्टार्ट किया है। जैसे कि अभी कोल्ड में भी न्यू आइटम आए हैं, शेक लाए हैं, सैंडविच में कई टाइप की वैरायटीज लाई है जी। फिर गार्लिक ब्रेड और अभी मॉकटेल, ये सब भी हम लाने वाले हैं। क्या बात है। तो देखिए, जहाँ पर ये थे वहाँ से जब यहाँ आए तो यहाँ पर वैरायटीज भी मेनू में काफ़ी सारी बढ़ा दी गई है। हाँ जी, हमने बैठने की सुविधा कर दी है कि लोग आके शांति से बैठे अपनी फैमिली में भी हमारे साथ। वीडियो के एंड में हम बताएंगे इनका लोकेशन, जहाँ आने के बाद आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पनीर कट कर लिया गया है और उसे एक बाउल में ले लिया गया है। साथ में डाला जा रहा है ऑनियन और ये आ गया ग्रीन कैप्सिकम। उसके बाद ये है टोमेटो और साथ में आ गया है कैबेज, जिसको मिक्स किया जा रहा है। तो मैम, यहाँ पे टाइमिंग क्या रहता है? यहाँ पे हमारा मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है, सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है, फिर दोपहर के 1 बजे तक, फिर 4 बजे से शाम को ओपन होता है, रात को 1 बजे तक चालू रहता है कंटिन्यू। एवरीडे ओपन रहता है ना मैम? हाँ जी। तो मुझे ये बताइए मैम, मैंने सुना है जब स्ट्रीट पर वेंडर रहते हैं तो वहाँ पे जो मेनू प्राइस होता है थोड़ा सा कम होता है, जब वो कैफे वगैरह करते हैं तो प्राइस बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो क्या आपके मेनू में ऐसा कुछ नहीं? हमारे मेनू में ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो वहाँ पे प्राइस रखा था सेम वही प्राइस में हम यहाँ पे भी लाए हैं, जबकि उसके हम कम प्राइस में ही चालू किए हैं। क्या बात है। तो ये देखिए भाई, प्राइसिंग आपको सेम मिलने वाला है, फूड क्वालिटी सेम मिलने वाली है। हाँ, फूड की वैरायटी बढ़ गई है यहाँ पर मेनू में, जो आने के बाद आप लोग ट्राई कर पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो स्टफ है वो तैयार किया जा रहा है चीज़ क्लब सैंडविच का। और उसके बाद ये देखिए, चिंग्स का सिजवन चटनी ऐड कर लिया गया है। तो गर्मियों के लिए कोई खास तैयारी मैम, जैसे कोई स्पेशल मॉकटेल या मिल्क शेक आप लोग ला रहे हो? मॉकटेल आएगी, प्लस साथ में हमारा कोल्ड कॉफी में भी न्यू आइटम्स लाएंगे और शेक तो है ही अपने पास, शेक में भी कुछ और नया ऐड करेंगे जिससे कि अच्छे से समर निकल जाए। क्या बात है। तो भाई, अभी से लोकेशन आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नई वैरायटीज मिलने वाली है अब यहाँ पर। यहाँ पे आपको गर्म से लेके ठंडी तक और खाने की अच्छी अच्छी आइटम मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने इनके वहाँ ऑलरेडी पहले ट्राई किया हो इनके मेनू से कोई भी फूड आइटम, तो कमेंट करके बताइएगा कि टेस्ट वाइज आपको कैसा लगता था और अब यहाँ आप कब आने वाले हैं। तो देखिए, जो सैंडविच ब्रेड है कट करने के बाद उसमें बढ़िया से मक्खन लगाया जा रहा है। ये चीज स्लाइस रहने वाला मैम? हाँ जी। तो वहां से आप यहाँ आ गए, उसके बाद जो वहां आते थे आपके गेस्ट, अब वो यहाँ कैसे आपका कांटेक्ट कर पाते हैं? एक्चुअली क्या, हमारा इंस्टा आईडी था जी, उस पे मैं बहुत से कस्टमर को ऐड कर रखा था, ऐड करवाती थी ये हमारा इंस्टाग्राम है, उसकी वजह से मुझे काफ़ी मतलब सपोर्ट मिला। और अभी बहुत जल्द प्लानिंग है कि हम दूसरी जगह जहाँ पे हमारा पहले स्ट्रीट पे था वहाँ पे कोई आसपास में सेम लोकेशन पे करे, बट वहाँ पे शॉप में ही रहेगा जी, क्योंकि शॉप में काफ़ी स्पेस, कस्टमर को बैठने की सुविधा मिल जाती है, कंटिन्यू क्या शॉप ओपन भी रहता है जी। तो आपने जब ये स्टार्ट किया था स्ट्रीट पर, तो आपने कभी सोचा था कि इतना आगे ले जाएंगे? नहीं, एक्चुअली मेरे को ये चालू ही करना था कैफे, बट एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे चालू करना है, टेस्ट लोगों को जमेगा नहीं जमेगा, इसके लिए फिर मैंने बोला कि पहले स्ट्रीट पे हम चालू करते हैं जी, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा। हम लोग मतलब लोगों का टेस्ट तो खिला पाते हैं कि नहीं, बट वहाँ पे हमने एक साल में काफ़ी अच्छा सेट कर दिया था,
काफ़ी अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला कस्टमर का, तो फिर हम लोग सोच ही रहे थे कि चालू करें चालू करें। फिर वहाँ से आपने हिम्मत जुटा लिया? वहाँ से एक दिन ऐसा हुआ कि बोला कि चलो कर ही लेते, कब तक वेट करेंगे, कब तक रोड साइड रहेंगे। क्या बात है। तो गाइस देखिए, एक कमेंट तो आप लोगों का बनता है कि इन्होंने पहले एक अच्छी सी प्लानिंग की, पहले स्ट्रीट पर स्टार्ट किया, खुद को सेट किया, अपने एक बढ़िया कस्टमर बेस तैयार किया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने एक अच्छा सा कैफ़े ओपन कर लिया। तो इनका प्लानिंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोस्ट किया जा रहा है मैम। हाँ जी, टोस्ट किया जा रहा है। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर हमारा चीज़ क्लब जो सैंडविच है बिल्कुल रेडी हो चुका है और अच्छे वाला टोस्ट हो चुका है, ये देखिए आप लोग। वाओ, देखिए कट करने के बाद उसके ऊपर हल्का सा चीज़ ग्रेट किया जा रहा है, साथ में टोमेटो सॉस है, मायो है और ग्रीन चटनी है, और ये फर्स्ट क्लास जो हमारा सैंडविच है आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर रेडी कर दिया गया है। और चलिए साथ साथ में आपको दिखाते हैं यहाँ का सेटअप। तो देखिए कितना फर्स्ट क्लास वाला सेटअप है, जहाँ आने के बाद आप ये ट्राई कर सकते हैं बैठ के। मैम, अगर ये सैंडविच किसी को खाना हो तो कहाँ आना रहेगा? जी, ये राजन पाटिया पे है, टी जर्नी, जयशंकर लस्सी के एग्जैक्ट सामने के साइड। और इस बिल्डिंग का क्या नाम है? सुगम 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 सोसाइटी। चलिए गाइस एक बार मैं आपको प्रॉपर लोकेशन दिखाता हूँ। तो भाई ये है राजन चार रास्ता, और यहाँ से सामने एग्जैक्ट मिलेगा आपको शशि टावर, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ आने के बाद आप टी जर्नी में आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा।